आए मेरी चबूतरी, मैंने फटाफट मैंने जैक को दे मुझे। ठीक हो? कैसे हो? ये सब नहीं बनाता, घर पे दाल चावल बनाता। प्रिंसेस वाली चादर ले दो, पुछ पुछ है ना। बोलू ऐसे थोड़ी खाते हैं, ये ज्यादा शानी बनी थी, ये कुछ भी नहीं मिल रहा इनको। ओए मेरी टिक्की तो नहीं लेके आए तुम? टिक्की मेरी भूल गए हैं लोग। फ्री फ्री फ्री। थैंक यू वेरी मच। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज व्लॉग शुरू हो रहा है हमारे डाइनिंग टेबल से। तो यहाँ पे मैंने ना फ्रूट चॉप करवाए थे, तो सबसे पहले फ्रूट खाएंगे हम लोग और जूस अभी बन रहा है, उसके बाद जूस पियेंगे। हाँ जी, तो गाइज आज है हमारे जूस में वाटरमेलन जूस। और अब ना क्या करेंगे, रोज ना अलग अलग तरीके के जूस पिया करेंगे, जैसे कभी मौसम भी हो गया, कभी मिक्स जूस हो गया, कभी वाटरमेलन हो गया, कभी नारियल पानी हो गया, तो फुल फायदा उठाएंगे। मैं सोची गुड्डू जो शादी में मुझे गिफ्ट नहीं मिला था जूस वाला, ऐसे वो याद है हम उसके नीचे छोटे छोटे ग्लास थे। तो ना गाइस कुछ टाइम पहले की बात है, हम लोगों ने ऐसे सेटिंग की थी कि हम दूजा चीकू के पापा बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गए थे ना, तो हम भी उस टाइम डाइट करते थे। तो हम लोगों ने सब कुछ प्लान किया था कि अपनी चीजें ऐसे करेंगे, फ्रूट सजाएंगे, क्योंकि अगर चीजें प्रेजेंटेबल होगी ना तो ज्यादा मन करता है खाने का। अगर फ्रूट्स को ऐसे बड़ा बड़ा काट लो ना तब मन नहीं करता, छोटे छोटे इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। चीकू ये सीट किसके लिए छोड़ी हमने? आपके लिए, आपका फेवरेट वाटरमेलन है ना, पहुंच गई है अपने डैडी के पास नाई नाई करके। भूख लगी है, भूख लगी। ये ना पता क्या, सो रही थी गुड्डू है, और सोते सोते मैंने इसको उठा दिया मालिश करने के लिए। इतना रो रही थी, मैंने इसको प्यार प्यार से मालिश करके क्या हुआ, क्या हुआ बता दे, क्या हुआ? आई मेरी चबूतरी। तो हमारी जूस की आज से शुरुआत हो रही है। आज बना है वाटरमेलन जूस, कल बनाएंगे मौसमी जूस। ठीक है। और भाई गाइस देखो, ये एकदम फ्रेश जूस है, प्योर घर का निकला हुआ, कोई बर्फ नहीं है, कोई एडिड शुगर नहीं है। तो मौसम की तकनीकी खराबी के कारण आज हमारा शूट हो गया कैंसिल, और कल हम शूट करेंगे। बच्चे नहा चुके हैं, अभी सिर्फ जैद रह गया, जैद की मालिश हो गई है, जैद अभी नहाने जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ मैं और गोलू फटाफट निकल जाते, क्योंकि बच्चे नहाते ही मालिश कराते ने कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे सोते हैं, तो 2 घंटे से पहले पहले हम लोग वापस आ जाएंगे सारा काम खत्म करके। तो मैं और गोलू जा रहे हैं अभी शावर लेने कपड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो गोलू ने पहले सूट निकाला था, तेरे सूट में तो काले रंग का, मैंने कहा काले में तो बहुत गर्मी लगती है, तो वो चेंज किया है। और बस अब वन पीस निकाल के पहन के फटाफट निकलते हैं मार्केट के लिए। तो मैं शावर लेके हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और मैंने पहना है, गलती से मैंने ब्लैक ही पहन लिया, नीचे पहना है स्किन टाइट लोअर। और अभी अभी क्या हुआ था, अभी अभी ना गोलू ने बाहर मशीन लगाई थी, और मशीन लगाते हुए ना उसके कंधे पे मधुमक्खी आ गई, और तुरंत उसने जैद को उठा लिया। तो जैद को जब उठाया ना उसने, तो मैंने घूम के देखा, मैंने कहा मधुमक्खी, मैंने फटाफट मैंने कहा जैद को दे मुझे, मैंने जैद को लिया, मैंने कहा बाहर भाग यहाँ से, क्योंकि बच्चे सारे अंदर सो रहे थे। तो मैंने उसको बाहर भगाया, बाहर भगाया, तो वो भी डर गई बहुत ज्यादा, फिर उसकी जो मधुमक्खी वो बाहर भगा दी उसकी, नहीं तो आज बच्चे को या फिर उसको मधुमक्खी काट लेती। तो गाइस मैं भी हो गई हूँ रेडी, और बस निकल रहे मार्केट के लिए। पायल ना जो कैमरे की बैटरी उसको चार्ज करके आ रही है, तब तक एक काम करती हूँ लिफ्ट को ऊपर बुला लेती हूँ। और आज मैंने भी ना चिकू के पापा की टी शर्ट पहनी है, और साथ में पहनी है नई लेगिंग्स, और ये वाली लेगिंग्स इसलिए मंगवाई थी क्योंकि अब क्या है जिम करूंगी मैं रेगुलरली, तो जिम में मेरे पहले वाले जो कपड़े हैं, क्योंकि मैं पहले पहनती थी मीडियम आता था मुझे लेगिंग्स में, तो वो नहीं आता मुझे, आता है एक्सेल, तो एक्सेल से दोबारा से मीडियम पे जाना है, तो इसलिए मैंने मंगवाई है एक्सेल लेगिंग्स। तो गाइस हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेल पायल पहना, एक्सेल मैंने पहना, एक्सेल लेगिंग्स, तो दोनों पहनते, पायल स्मॉल पहनती थी, मैं पहनती थी मीडियम, तो पायल को जाना है दोबारा से स्मॉल पे, और मुझे जाना है दोबारा से पायल मीडियम पे। तो चलो बस ये जर्नी को हम यही कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं लेगिंग्स का साइज छोटा होता रहेगा ना आपको बताते रहेंगे। ओ मेरे बच्चे की पजामी, क्या हुआ पायल? मेरे बच्चे की पजामी। ओहो माय गॉड, ओह माय गॉश, यू फाउंड दिस पजामी? यस, इन दिस सोसाइटी शी इज माय बच्ची। ओह जीसस, दिस इज माय बेबी, दिस इज माय बेबी। तो गाइस इस लड़के को मैंने याद दिलाया कि चीकू को ट्यूशन जाना, देखो कैसे भाग रहा है। देखो एक सेकंड, रुक 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 रुक, ब्रेक मार दिया मैंने, ब्रेक। आज गेमिंग में थे हम, इसलिए भूल गए। गेमिंग बंद करा दूंगी मैं। सोना हां जी, क्या गिफ्ट चाहिए मेरे बाबू को? एक टॉय ले आ दो, मर्सिडीज ले आओ। मर्सिडीज पायल, मैंने इतने प्यार से पूछा बाबू मेरे को क्या गिफ्ट चाहिए मेरे सोने को, तो नितिन के कान ने बोला कि मर्सिडीज ले आओ। ले आती हूँ, ले आना भाभी। व्हाइट व्हाइट साइज कौन सा? ये इसका जितना। अम्मा कोई टॉय ले आना। टॉय ठीक है, छोटा टॉय ले आऊंगी। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस सूरज भैया अभी तक नहीं आया, सूरज भैया ऊपर है, मैं और पायल कह रहे वैसे हम गर्मी में मर जाएंगे, काले कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि ब्लैक कपड़ों में ना और ज्यादा गर्मी खाती है। और तो सूरज भैया को हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं है, देख लो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है, मैं तो तैयार बैठा था। चलो तो गाइस ये बात तो बिल्कुल सच है, सूरज भैया आधे घंटे से रेडी हुए थे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग भी रेडी हो जाते जल्दी, बट बच्चा होता था ना, कभी कोई बच्चा रो रहा है, कभी कोई बच्चा कुछ कर रहा है, तो मधुमक्खी को कटवा देती। हाँ गाइस आज तो मैं आपको एक बात बताने भूल गई, मैंने बता दी मेरे यहाँ पे मधुमक्खी बैठी थी, पायल ने फटाफट जैद को लिया,
और बोला जैद दे दे, जैद दे दे। और मैं इतनी ज्यादा डर गई, मैंने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। भगा दिया बात। नमस्ते आंटी, कैसे हो? तो ये गोलो के चक्कर में ना मैं पूरे पसीने पसीने हो गई, पूरी पसीने पसीने। ये लड़की टाइम से कुछ नहीं करती है। मैं तो बोल रही हूँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ, मेरे को तेरे को आई डोंट लिसन, यू डोंट लिसन, आई डोंट केयर, यू डोंट केयर, नो बट आई केयर। ये सब नहीं बनाता घर पे, दाल चावल बनाता। तो अभी अभी डिस्कशन हो गया पूजा से। पूजा गाइस हमारी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। कभी भी कोई सुख हो दुख हो हम पूजा को फोन करते करते हैं, वैसे भी करते रहते हैं। तो अभी पूजा से डिस्कशन कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं, तो पूजा ने बोला कि तुम जाओ एलांटे मॉल और होम सेंटर जाओ, वहाँ पे तुम्हें सारी वैरायटी मिलेगी। और हम लोगों ने यही सोचा था कि हम होम सेंटर जाएंगे, क्योंकि अगर क्योंकि हम लोगों ने फिफ्थ स्टूडियो, जो हमारा स्टूडियो है फिफ्थ फ्लोर पे, उसकी भी सारी की सारी डेकोरेशन है, बेडशीट्स हो गई, सब चीजें हम वहाँ से लेकर आए थे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हमारी जो फ्रेंड है ना, हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है पूजा, उसने बहुत अच्छी होलसेल की शॉप बताई है, तो हम यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे जो चाहिए हमें हमें यहाँ मिल पाएगा कि नहीं। तो गाइस बहुत ही प्यारा सा सेट दिखा है हमें फ्रूट्स के लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट पायल क्या बोल रहे हैं कि गोलू सब कुछ ना एक कलर का लेंगे, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे क्या है, अगर चीजें एक कलर की रखी हुई ना सामने तो वो प्रेजेंटेबल लगती है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, इसको भी साइड में रखते हैं और चीजें देखते हैं। आ गया पायल का बुलावा, आ गया ड्राई फ्रूट के लिए। अच्छा लग रहा है, गोल्डन हो गया ना भाना भैया, सुंदर लग रहा है ना, गोल्डन गोल्डन। हाँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी यही होता है सिस्टम कि ना घर में सामने रखे रहेंगे ना तो बंदा खाता है, अगर अंदर रखे होते ना कोई भी नहीं खाता, आलस करते हैं निकालने के लिए। अच्छा, ये भी ड्राई फ्रूट के लिए। ये भी सिर्फ वुडन में हम डिनर सेट नहीं ले सकते ना, वो तो धो नहीं सकते डिनर। अच्छा, ये धो सकते हैं, ये भी ड्राई ही होगा, मतलब ड्राई फ्रूट्स के लिए। ड्राई फ्रूट्स वाला तो धोने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे तो हम गीले कपड़े से साफ कर देंगे, लेकिन अगर हमें डिनर सेट लेना है तो फिर वो ड्राई इसमें ले सकते ना। पायल देख, इसमें ये भी है पायल। अगर अभी तू बड़ी होती ना और शॉप पर आती ना, तो मेरे को बोलती कि मम्मा प्रिंसेस वाली चादर ले दो, है ना, जब बड़ी होगी तब लेंगे। अभी वैसे भी सिंगल बेड की है, नहीं हम डबल बेड की लेंगे। और चीकू और अयाना ज्यादा होते, चीकू होते तो बोलते मम्मा हम स्पाइडरमैन, उनके लिए ना बाद में बंक बेड बनवाएंगे, एक दो तीन, है ना भैया, ऊपर नीचे एक साथ सोएंगे। क्योंकि चीकू तो बड़ा भैया, नींद आई चीकू तो बड़ा भाई है, वो तो अलग सोएगा। भैया इसमें से सबसे बेस्ट प्रेस कौन सी है, बेस्ट जो बच्चे के कपड़े बिल्कुल ना जलाए? बेस्ट है सेंसर, ये वाली सेंसर वाली। तो हमें इसको सेट नहीं करना, ऑटोमेटिक सेट होगा, ऑटोमेटिक है, कपड़े के अकॉर्डिंग ही ये गर्म होगा। जैसे साटिन है तो ऑटोमेटिक, कॉटन है तो ग्लेस कॉटन है, अलग करेंगे गर्म नहीं होगी, जैसे आप कपड़े पे रखेंगे कपड़े। अच्छा, कपड़ों के हिसाब से गर्म होगी, बहुत अच्छी चीज है। पुछ पुछ है ना? हाँ जी, वो भी है, पुछ पुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये निकाल दो, स्टीम आयरन है, ये निकाल दो। तो मुझे ये वाला फ्रूट बाउल बहुत अच्छा लग रहा है अपने डाइनिंग पे रखने। और हमारी हेल्प करने के लिए देखो कौन आया है, पूजा आ गई, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सेलिब्रिटी नहीं है मैं सब। गाइस यहाँ पे ना मैं डिनर सेट देख रही हूँ ये वाला, क्योंकि मुझे पूजा ने बोला है कि कोरल में ले और बहुत अच्छा होता है, बहुत चलता भी है। तो ये मुझे ना इसका वो भी दे रहे हैं, डेमो भी दे रहे हैं कि गिर जाएगा तो भी टूटेगा। आप अपने हाथ से फेंक लो। नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं लगता? ये लो, आपका टूटेगा मेरा वापस, नो इश्यूज एनी टाइम। नहीं तो गुस्से में बस टूटा ही नहीं, टूटा ठीक है भैया, यही दो आप। तो मुझे ना पूजा ने बोला है कि ये वाली पाइप लो, क्योंकि क्या बोल रही थी, वो जो प्लास्टिक की पाइप, प्लास्टिक की जो स्ट्रॉज होती है वो अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए। और इसके साथ ना ब्रश भी है, तो इसे चीकू के लिए ले रही हूँ, क्योंकि चीकू को बहुत ज्यादा पसंद है जूस पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, तो आज मैं उसको ये गिफ्ट करूंगी। तो मैंने ना अभी सोचा था कि मैं ये डिफ्यूजर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने एंट्री करी ना अंदर, तो उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। तो मैं पूछ भी रही थी डिफ्यूजर लेने के लिए, बट पायल ने मना कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनके लिए ना ये फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जब मुझे भूख लगती है ना मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मुझे खाना चाहिए होता है, खाना अगर मैं नहीं खाती ना खाना तो मेरे सर की नसें फटने लग जाती है। ये ज्यादा छानी बननी थी, कुछ भी नहीं मिल रहा है इनको। अरे वो चांदनी चौक में मिलती है आलू की सब्जी और प्लेन कचौड़ी होती है। तो गाइस फिलहाल हमने मेरी टिक्की तो नहीं लेके आए तुम, मैंने थोड़ी थोड़ी सी वो खाई थी बस कचौड़ी। भैया मैंने टिक्की बोली थी, टिक्की ले आओ जरा, मैं सामान रखवा रही, तब तक टिक्की मेरी भूल गए हैं लोग और अपनी अपनी कचौड़ी खा के चल पड़े आगे, और मेरा भी याद नहीं रहा टिक्की लेके आया है। मेरी टिक्की है इसमें? नहीं है टिक्की। पूजा भैया मेरी टिक्की, इतने तलाक लोग, मेरी टिक्की ले आओ भैया। मेरी टिक्की क्या होती है? मेरी टिक्की पैक करवाई थी मैंने, 80 रुपए की टिक्की थी। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए सेक्टर 21 की मार्केट, और यहाँ से लेना हमें चूल्हा, दो स्टॉप वाला चूल्हा लेना है दूसरे वाले फ्लैट के लिए, तो फटाफट ले लेते हैं। मुझे पसंद आया वो वाला छोटा सा बर्नर, क्योंकि भैया ने बनाना, जो भी बनाना भैया के लिए फ्लैट लिया है, तो भैया कह रहे मुझे छोटा सा चाहिए दो वाला, हमने दो वाला। पापा और सूरज भैया अपना ब्रेड ऑमलेट,
एग बॉल्स, ओट्स, ये सब कर सके। सर आपके लिए ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, फ्री 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 आपके लिए, करमान जी के लिए। नहीं एक हमारे किचन के लिए, आपके किचन के लिए। चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अभी ना हमने एक पतीला देखा है दूध उबालने के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि फैमिली बड़ी हो रही है ना, दूध जो पतीला छोटा हो गया है, 7 लीटर वाला पतीला लिया। और कौन सा है पूजा, ये पूजा क्या है बताइए जरा? थ्री प्लाई स्टील है, जो हैवी होती है, दूध जलता नहीं है। और साथ ही साथ इसका जो हैंडल लगा है वो भी गर्म नहीं होगा, तो ये बहुत ही सही है। एक बार पर एक ही बार दूध उबाल लो, पूरे दिन में दो दो बार उबालते हैं ना, एक ही बार उबाल। ये 3 प्लाई वाला है ना, ये दे दो, आगे दे दो। तो गाइस यहाँ पे पायल ने कुछ लिया है, तूबा के लिए दिखा दे। बाउल, उसके बाउल की कमी थी, बाउल उसके वो बाउल था, 3 प्लेट थी तो 3 कटोरियाँ ले ली, और चाय कूटने के लिए ये ली है। तो गाइस अभी ना हमने लिया है वंडर शेफ का ये स्मूदी ब्लेंडर, इसके अंदर हम बहुत अच्छी अच्छी स्मूदीज बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप चीकू के पापा के साथ हम लोग भी डाइट करेंगे, स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे, तो इसपे मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगी और कुछ ना कुछ नया ट्राई करूंगी, फिर आपको बताऊंगी इसकी रेसिपी। तो हमने जो गैस लिया है ना, गैस को, हाँ ये भी लिया चीकू के लिए, लिया गैस को पूरा हमने चेक किया पहले कि उसमें गैस ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, उसके बाद लिया गैस भी जा रही है अब गाड़ी में, और अब थक गए पैर, घर पहुँचते फटाफट। और घर के लिए हमने गाइस बहुत सारी चीजें और भी ली है, पर वो चीजें मैं दिखा नहीं पाई, तो मैं घर जाके दिखाती हूं। तो गाइस हमने बहुत सारी आज शॉपिंग कर ली, और सच में इतना ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, इतना ज्यादा, क्योंकि क्या है ना, आदत वैसी रही नहीं है, बॉडी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है और ना थकावट हो जाती है। बट क्या गाइस, ये शॉपिंग देखो, बोलने को नाम है शॉपिंग, बट ये सारा का सारा जो हमने सामान लिया, सारा जरूरत का और घर का सामान लिया, क्योंकि क्या है कि घर में ना जो जो चीजों की जरूरत थी ना, वो सब लेना पड़ा, और एक ही बार ले लिया, ये नहीं करा आधा सामान कल ले लो आधा सामान बाद में ले लो, एक साथ ले लिया। तो मैं काम करूंगी घर पर पहुंचकर, जैसे जैसे सामान सेट होगा ना, वैसे वैसे सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो गाइस बस बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और कल का दिन जो है वो बहुत ही हेक्टिक होने वाला है हमारा, क्योंकि कल है हमारे गाने का शो। और जाते जाते एक और बात बताना भूल गई कि हमारा जो गाना है न्यू सॉन्ग जहद, जिसने अभी तक नहीं देखा है, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे पूरा गाना देख लो, और कमेंट करना मत भूलना आपको गाना कैसा लगा। बाय बाय गाइस।